आत्म संयम योग की परीक्षा है आज। बिना पंखे के बिना बिजली के स्वाध्याय करना है। हाँ असल तो किल्ली ऐसा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संतनितम। दुख के साथ जो संयोग है, जो जुड़ाव है, उससे जो वियोग करता है उसे योग कहते हैं। उस कनेक्शन को जो तोड़ देता है, उस जुड़ाव को जो तोड़ता है, दुख समाप्त नहीं होता है, किंतु दुख के साथ जो सतत जुड़ाव है मन का, दुख की जो अनुभूति है, वह समाप्त हो जाती है। और कैसे समाप्त होती है? तो एकत्व के दर्शन से समाप्त होती है। उसको आज हम देखने वाले हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो, इसलिए निर्णय पूर्वक निश्चय करके, दृढ़ संकल्प करके, तय करके योक्तव्यो, इसे योग को करो, बिना उकताए हुए करो, बिना यांत्रिकता के आए करो। उबना नहीं है। लगातार अभ्यास करने में सबसे बड़ी यदि कोई दिक्कत होती है तो वह दिक्कत होती है कि लगातार करने से नाविन्य समाप्त हो जाता है। रोज रोज करते हैं तो अनुभूति क्षीण होती है। प्रारंभ में जो अनुभूति आती है वह अनुभूति बाद में नहीं आती। जप करते समय, भजन करते समय, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते समय, पहले 7 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत आनंद आता है, शवासन में बड़ा अच्छा लगता है। फिर मन को उसकी आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है तो वो यंत्रवत हो जाता है, यांत्रिकता आ जाती है उसमें। और यांत्रिकता आ जाने से स्थितियां अपने आप हो जाती है, उन स्थितियों में चुनौती नहीं रहती, करने में चुनौती नहीं रहती, प्रयत्न कम हो जाता है, प्रयत्न कम हो जाने से अनायास होने लगता है, अनायास होने लगता है तो फिर मन कहीं और भटकने लगता है, उकताने लगता है, फिर लगता है कि अब तो हो गया ना, अब तो सीख गए, अब क्या है, अब तो आता है, अब नहीं किया तो भी चलेगा। यह निर्विण्ण, यह है अनिर्विण्ण, अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उबे, बोर हुए बिना, बिना यांत्रिकता है, लगातार करना पड़ेगा तब वह अभ्यास होगा। ये बड़ी परीक्षा होती है। समर्थ रामदास इसको आरंभ शूरह कहते हैं। मूर्ख के लक्षण में समर्थ रामदास शब्द का प्रयोग करते हैं, आरंभ शूरह, आलस की व्याख्या करते समय यह शब्द आया उनका, कि हम किसी भी बात को आरंभ करने में बड़ी वीरता दिखाते हैं, आरंभ करते हैं, लेकिन लगातार नहीं कर पाते, इसलिए आरंभ शूर है। आरंभ कर देते फिर छोड़ देते, क्यों छोड़ते, निर्विण्ण हो जाते, उसके अंदर बोरियत हो जाती है, यांत्रिकता आ जाती है, इसलिए लगातार करना यह बहुत आवश्यक है। तो कैसे होगा? तो जो बैठने की स्थितियां शारीरिक स्थिति बताई थी, न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, ऐसा आसन ले लो, चैला जिन कुशोत्तरम, इसके ऊपर बिछाओ, काया ग्रीवा और शिर को एक सीधी रेखा में स्थिर रख करके बिना हिले डुले बैठ जाओ, आँखों को बंद करके मानो दृष्टि नासिकाग्र पर एकाग्र है, इस प्रकार से दृष्टि को एकाग्र करो और अपने अंदर स्थित हो जाओ। यह शारीरिक स्थिति बताई थी और ये रोज करो, लगातार करो। योगी युंजीत सततम, सतत करो, निराशी और अपरिग्रह होकर के करो, ये सारी बात बताई। और वो करने से क्या होगा? प्रशांत मनस होगा, शांति, निर्वाण, परमाम शांति मिलेगी, वह क्या क्या होगा ये सब बताए। अब उसकी और प्रक्रिया बता रहे कि निर्विण्ण कैसे नहीं होगा, बोरियत क्यों नहीं आएगी, यंत्रवत क्यों नहीं होगा, ये कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उसको करना कैसे है। तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सर्वान कामान संकल्प प्रभवान
संकल्प के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं को त्यक्त्वा अशेषतः बिल्कुल बचे नहीं, इस तरह से उनका त्याग करो, अशेषतः कुछ भी बचे नहीं, जड़ भी बचे नहीं, इतना उसको अच्छी तरह से उसका नाश कर दो, त्याग कर दो। यह संकल्प शब्द का प्रयोग हुआ है वो मन की शक्ति का अर्थ में हुआ है। हम सामान्य रूप से संकल्प शब्द का जो अर्थ लेते हैं वह इच्छा की शक्ति के रूप में लेते हैं, पर यहाँ योग में जब हम बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली में, तो पारिभाषिक शब्दावली में मन के काम करने के दो विधियाँ हैं, एक संकल्प है और एक विकल्प है। संकल्प यानी कुछ करने की इच्छा, विकल्प यानी न करने की इच्छा, विड्रॉल। कर्म के प्रति जुड़ने का जो मन में विचार उठता है उसको संकल्प कहते हैं, हटने का जो विचार उठता है उसको विकल्प कहते हैं। तो संकल्प और विकल्प में मन काम करता है, तो इसलिए जो इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है, इंद्रियों के माध्यम से कुछ करने की इच्छा होती है, पाने की इच्छा होती है, ज्ञान की इच्छा होती है, विषयों में उलझने की इच्छा होती है, वो संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाएं हैं, उनका त्याग करना पड़ता है। विकल्प से जो विचार उत्पन्न होते हैं वहां उत्साह भरना पड़ता है, निर्विण्ण वो है, विकल्प है, उसमें उत्साह भरना पड़ता है। इससे उत्साह के बिना साधना संभव नहीं, साधना का प्रथम कारक है उत्साह, इसका उत्साही पुरुष ही साधक हो सकता है, उत्साही व्यक्ति ही साधक हो सकता है। इसलिए निर्विण्ण अनिर्विण्ण ये जानबूझ करके कहा कि उत्साह से फरा पूरा होना चाहिए, जिसके अंदर उत्साह होगा वो साधना में जा सकता है, वो योग में जा सकता है। इसलिए उस उत्साह को बनाने के लिए उत्सव है, इसलिए हमारे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई उत्सव है, ताकि उत्सव से आपका उत्साह बना रहे, उत्साह बना रहे यानी उत्साह बना रहे, उत्साह बना रहेगा तो मन नित्य साधना में लगेगा, उस नैमित्तिक उत्सवों से नित्य साधना पुष्ट होगी। इसलिए उत्सव है, उत्साह को बनाए रखने के लिए। उत्साह से विकल्प दूर हो जाता है, लेकिन संकल्प के लिए त्याग आवश्यक है। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, शेष नहीं बचे, अशेषतः बिल्कुल नहीं बचे। वो चाणक्य के जीवन की घटना पता है हमको, विष्णुगुप्त के रूप में जब वो पैदल चलते हुए जा रहे तो पैर में कांटा चुभ गया, तो देखा चारों तरफ वो कटीली और बेल घास है और वो चारों तरफ फैली हुई है। तो चाणक्य ने आधा घंटा लगा करके, विष्णुगुप्त ने उस कटीली झाड़ी को उखाड़ करके फेंक दिया, पूरी तरह से उखाड़ा, जड़ सहित उखाड़ा, खोद खोद करके उखाड़ा, जहां पर वो टूट जाती थी वहां ज्यादा खोदता था कि जड़ अंदर रहेगी तो वो गड़बड़ करेगी, वो उखाड़ दी और उखाड़ करके उसको ले जा करके जला दिया, भस्म कर दिया, उन कांटों को, उस पेड़ के सबको जला दिया। इतना करने के बाद नहीं रुके, उसके बाद वो गांव गए, जंगल में चल रहे थे, वहां से गांव थोड़ा दूर था, गांव गए, गांव में गए, गांव में ग्वाले के पास गए और ग्वाले को कहा तुम्हारे पास छाछ होगी तो छाछ देना। वो मट्ठा छाछ लेकर के आए और उस पूरे खुदे हुए झाड़ी के इलाके में जहाँ पर उन्होंने वो जड़ें भी निकाल दी थी, कांटे निकाल दिए, जड़ें निकाल दी, सब निकाल दिया, उसके बाद में जो खुदी हुई वो जगह थी उस सारी जगह में छाछ से सम्मार्जन किया, छाछ छीप दी, छाटे लगा दिए छाछ के, छाछ डाल दी। अब उनको पूछा कि ये क्या कर रहे हो, छाछ क्यों डाल रहे हो, तो बोले बचना नहीं चाहिए, विष्णुगुप्त के पैर में जो कांटा चुभा उसको समूल नष्ट कर दूंगा। तो बोले कर तो दिया, मूल से नहीं, अशेषता, कुछ भी शेष नहीं रहना। उसने कहा मैंने तो वैसे ध्यान से सारी जड़ें निकाल दी और जला दी है, लेकिन हो सकता है कहीं कोई बीज या जड़ रह गई हो। तो बोले छाछ डालने से क्या होगा, तो बोले छाछ डालने से यहाँ चींटियाँ इकट्ठी होगी और वो चींटियाँ उन जड़ों को खा जाएगी, तो जड़े भी खा जाने के कारण ये कांटे फिर कभी उगेंगे ही नहीं और किसी के पैर में नहीं छूपेंगे। अशेषतः का ही अर्थ है, जड़ से उखाड़ करके भस्म कर देने से भी नहीं चलेगा, छाछ डाल के चींटियों से
उन जड़ों को भी खा लिया ताकि कुछ नहीं बचा, जड़ भी नहीं बचा, बीज भी नहीं बचा, कामना का बीज भी ना बचे। तब मनसि एव इंद्रिय ग्राम, मन और इंद्रिय ग्राम से विनियम्य, इंद्रिय ग्राम मतलब इंद्रिय समुच्चय, हमारे पंच ज्ञानेन्द्रियों का समुच्चय एकत्रित, उन सबको मनसि एव विनियम्य, मन के द्वारा रोक करके, नियमित करके, उनको समझा बुझा करके, उनको नियंत्रण में ला करके, उनको शांत करके, कैसे शांत करके, समंततः चारों ओर से, सभी दिशाओं से, कहीं किसी दिशा में कोई भी इंद्रिय बच ना जाए, इस प्रकार से उस सबको समेट करके, और तब योग करना है। योक्तव्यो योग निर्विण्णम, उसी का वर्णन चल रहा है आगे। उत्साह से नियमित योग करो, और कैसे करो, तो इस प्रकार कैसे करो, संकल्प प्रभावान कामान सर्वान अशेषतः त्यक्त्वा, उनका त्याग करके, और इंद्रिय ग्रामों को मन के द्वारा रोक करके, विनिमय करके, उनको उनका नियमन करके, विशेषत्वेन नियमन करके। अब ये विशेषत्वेन नियमन कैसा होता है, मन तो भागेगा, जितना आप कहोगे ऐसा मत करो उतना वही करेगा मन। मन बालक की तरह है, बालक को कहो वो हाय है, वो वहाँ पर जलता है हाथ लगाने से, तो आपने बता दिया जलता है, तो फिर वो ज़्यादा उस तरफ ध्यान देगा। बालक का उस वस्तु की तरफ ध्यान नहीं जाए, इसका एक ही तरीका है, आप उस वस्तु को महत्व ना दो। आप यदि कहोगे ये दीपक है, इसको लगने से हाय होगा, जलेगा, तो एक बार तो वो जरूर ट्राई करेगा, वो बालक एक बार तो जाके हाथ लगा के देखेगा, आग है जलती, जलना क्या होता है उसको पता नहीं ना, उसके लिए वो ज्ञान की जिज्ञासा है, वो एक बार हाँ, फिर उसको पता चलता है अब जलता है, अगली बार नहीं हाथ लगाएगा वो। जिस चीज को रोकने को कहोगे वो करेगा, मन ऐसा ही है, जिस चीज को रोकने को कहोगे वो करेगा, इसलिए उसको एकाग्र होने को कहते तो वो ज्यादा भटकता है, वैसे नहीं भटकेगा, वैसे भटकता भी है तो अपने को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे जब आंखें बंद करके बैठते तब ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी नहीं आए थे, वो सारे चित्त के संस्कार ऊपर उठ करके आते। कई ध्यान के सत्र होते हैं, उन ध्यान के सत्रों में देखा गया है कि लोग तरह तरह की विक्षिप्त हरकतें करते हैं, झूलने लगते हैं, कोई जोर से चिल्लाता है, कोई शेर की जैसा दहाड़ता है, लोगों को बड़ा चमत्कार लगता है, क्या चमत्कार हो गया, बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। हमारे जोधपुर में एक थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक संत थे, महात्मा थे, वो शक्तिपात दीक्षा किया करते थे, और वो शक्तिपात दीक्षा के लिए पूरे भारत भर से ही नहीं, विदेशों से लोग आते थे, नेपाल वेपाल से लोग आते थे, और उनके सामने बैठते थे, और वो ध्यान करवाते थे, शक्तिपात करवाते थे, और लोग चिल्लाने लगते थे, नाचने लगते थे, कुछ करते थे, और ऐसा करते थे, और बड़ा बड़ा तमाशा था, अखबारों में आता था और ये सब आता था। तो मैं उन दिनों जोधपुर में था, योग की कक्षाएं लेता था, तो उनके कुछ शिष्यों में से कोई आया योग की कक्षा में, और उन्होंने कहा आपके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने ओंकार ध्यान सत्र लिया, तो बोले आपके यहाँ तो ध्यान लगता ही नहीं ओंकार ध्यान सत्र में, यहाँ तो कुछ नहीं होता, वहां तो बहुत कुछ होता है। संस्कार निकल आते, जिस समय विनियम्य करके नहीं होगा उस समय ऐसा होगा, अनियंत्रित ध्यान होगा तो ऐसे ही होगा, वह आपके संस्कारों को मुक्त करने की जगह संस्कारों को उद्वेलित करेगा। चित्त शांत होते ही आपका कॉन्शियस माइंड, आपका जो चेतन मन है, जो आपको इन सारी हरकतों से बचा रहा है और समाज में कैसे व्यवहार करना वो सिखा रहा है, एक पागल में और हम में क्या फर्क है, एक पागल को पता नहीं कि कहां पर कौन सी हरकत करनी है, हम अपने मन के द्वारा उन हरकतों को रोकते हैं। जैसे इस केवल चेतन मन को हमने यदि ढीला छोड़ दिया तो आपका अवचेतन काम करने लगेगा, अवचेतन काम करने लगेगा तो ये सारे तमाशे होंगे। यहां अवचेतन को खुला छोड़ने के लिए नहीं कहा है, अशेषता विनियम्य विशेषत्वेन नियम्य, कैसे करेंगे विशेषत्वेन नियम्य, सारे इंद्रिय ग्रामों को मनसि मन के द्वारा समेट करके,
क्रमशः उस बालक को शांत बैठाना है। कैसे बैठाओगे बालक को शांत? बालक ऐसे शांत नहीं बैठेगा। सबसे कठिन काम क्या है आजकल के युग में? सबसे कठिन काम यह हो गया कि 2.5 साल के बच्चे को हम स्कूल में भेजने लगे हैं। उस बेचारे के खेलने के दिनों में उसको स्कूल में भेजते हैं। इससे बड़ा अत्याचार किसी बच्चे पर कुछ हो नहीं सकता। और माता पिता बड़े प्रेम से ये अत्याचार करते हैं, इसको प्रेम मानते हैं। 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, और फिर स्कूल में ही नहीं भेजते, सिर्फ फिर घर आ करके उसका होमवर्क लेते हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम कोई होगा तो 3 साल से 5 साल की उम्र के बीच के बालक का होमवर्क कराना, दुनिया का सबसे कठिन काम है। जितना कठिन ये काम है, ये विनियम्य वाला काम है, वो भी मन को किसी सारे इंद्रियों से निकाल करके ध्यान के लिए, धारणा के लिए अंदर एकाग्र करना, वही काम वो है। उस बालक को होमवर्क करने के लिए बैठाना। तो माता ये कहती है, हम अभी भारतीय शिक्षण मंडल में पालकों के लिए, अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं लेते हैं, तो माता है हमको कहती है, आप क्या बताते हो, ये टीचर लोग कुछ कराते ही नहीं, सब तो हमको घर में ही कराना पड़ता है। टीचर तो सिर्फ डायरी में लिख देती है और हमको घर में कराना पड़ता है, और बच्चे को बैठाए कैसे? कैसे बैठा सकते हैं बच्चे को? बच्चे को नहीं बैठा सकते। एक जगह बैठा सकते हैं क्या बच्चे को? असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि उस बच्चे में प्रचंड ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है। 2.5 साल से 3 साल से उम्र से लेकर 5 साल 6 साल तक के बालक में जितनी ऊर्जा होती है, उतनी पूरी आयु में, हमारे भी जीवन में पूरे आयु में उतनी ऊर्जा हमारे पास कभी नहीं थी जितनी ऊर्जा उस 2.5-3 साल में होती है। इतनी ऊर्जा, कितना उछल कूद करता है वो बालक। वो मुरारी बापू कथा बताते हैं कि वो पहलवान आया महात्मा जी के पास और कहने लगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है और मैं हिंद केसरी हूँ और रंधावा को हरा दिया और इसको हरा दिया और दुनिया के सारे, कोई मेरे सामने कोई नहीं, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन हो गया, मेरे जैसा शक्तिमान कोई नहीं दुनिया में, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो महात्मा जी कहते, ऐसा अच्छा है। तो उनके आश्रम में जो चौकीदार है, उस चौकीदार का 3-3.5 साल का बालक है, उस बालक को बुलाते हैं और कहते, ये छोटू को तू हरा नहीं सकता, कहाँ अपना अहंकार लेकर के बैठा है कि दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान को हरा देगा, इस छोटू को हरा दे तब मानो। तो पहलवान कह रहे, छोटू को क्या अभी पटक नहीं मार के चित करा दो? बोले, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हराना है, सिर्फ आधे घंटे तक ये छोटू जो जो क्रिया करे उसकी नकल करनी है। ये उछले तो उछलना, कूदे तो कूदना, भागे तो भागना, गुलाची खाए तो गुलाची खाना, जो करे वो काम करना, आधे घंटे तक करके दिखाओ। 15 मिनट में हिंद केसरी पहलवान आकर के महात्मा जी के चरणों में लौट गया, समझ में आ गया, बोले मेरी कोई शक्ति नहीं। उस बालक की जितनी शक्ति है उतनी किसके पास नहीं, और ये शक्ति उसे बैठने नहीं दे रही। ऐसी हमारी मन की प्रचंड शक्ति है, मन में इतनी प्रचंड शक्ति है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिमान हमारे पास में कोई उपकरण होगा तो वो मन है, जिसके ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। अनंत ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है, इसलिए अनंत हलचल है, चंचलता है। अब ऊर्जा होना अच्छा है कि गलत है? तो मन की चंचलता फिर अच्छी हुई कि बुरी हुई? ऊर्जा अच्छी है, चंचलता नहीं चाहिए। ऊर्जा तो चलेगी लेकिन चंचलता नहीं चाहिए, ऐसे काम कैसे चलेगा? तो ऐसे काम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मनसी इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इन इंद्रिय समुदाय को विनियम्य, विनियम्य यानी क्या? विशेषत्वेन नियम्य, उस बालक का जो उदाहरण है उसको समझ लीजिए। उस बालक को यदि शांत बैठाना है तो समझदार माँ उसको ये नहीं कहती बैठ जा, वो माँ उसको कहती चल जरा घुमाते हैं, उंगली पकड़ करके उस बालक को घुमा लो और घुमा करके फिर उसको 2 मिनट के लिए बैठाओ, 5 मिनट के लिए बैठाओ, बैठ जाएगा। 5 मिनट बाद वह विचलित हो, उससे पहले उसको फिर उंगली पकड़ करके घुमाओ। मनसी इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, मन के द्वारा इन इंद्रियों को विकेंद्रीकरण दे करके फिर केंद्रीकृत करो। इसलिए आंखें बंद करके बैठे
अब आंखें बंद करने के बाद कानों से सुनाई दे रहा है, हमने कल परसों प्रयोग किया था, एक मिनट में कितनी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है, एक बार कर लो सारी आवाज़ें सुन लो कितनी आवाज़ें सुन रही है, फिर उसके बाद में कहो कि अब हो गया ना, सुन लिया ना, अब शांत हो जा चल, फिर कुछ नहीं सुनाई देगा, फिर स्विच ऑफ होगा। विनियम्य मन के द्वारा कुशलता पूर्वक उनका नियमन करके, चारों ओर से नियमन करके, इसलिए यहाँ पर वह केंद्रीकरण के साथ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को समझाया भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद क्या करो, शनै शनै ही उपरमेत, जल्दबाजी मत करो, एकदम से मत बैठा दो, उपरमेत, उपरमेत मतलब खेल से बाहर निकाल करके बैठाओ, वो टाइम आउट लेते हैं ना, वो बच्चे खेलते समय कहते थुच जा और बैठ जाते, वो है ऊपर आम, मन खेल रहा है चारों तरफ, उसको कहना बैठ जा। ऊपर शब्द जहाँ भी आता है वहाँ उसका मतलब बैठने का होता है। उपनिषद में भी ऊपर यानी गुरु के निकट बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया, उपविश नीचे बैठो, ऊपर आम, राम यानी खेलना, रमना, रमने में से ऊपर आम, रमने में से हटके बैठ जाना, शनै शनै ही ऊपर में, धीरे धीरे, शनै एक बार बोल के नहीं संतोष हुआ भगवान श्री कृष्ण को, उन्होंने कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे शनै शनै ही, इस मन को जो एकाग्र करना है, विशेषण नियम में करना है, यह क्रमशः करना है, शनै शनै ही करना है। अचानक आधा घंटा आंख बंद करके बैठूंगा, मन की तो बात बहुत दूर की, पैर भी साथ नहीं देंगे आधे घंटे तक, तो पैर सो जाएंगे। इसलिए शनै शनै, पहले 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, फिर 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, अपनी क्षमता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, और जैसे विचलित होने लगे फिर से उसको सही जगह पर लाने के लिए लाओ। तो इसलिए वह विचलित होने से पहले खुद ही उसको घुमा के ले आओ। यह मन के नियंत्रण का सबसे सुंदर तरीका है। बालक को उंगली पकड़ करके घुमाओ, नहीं तो उंगली छोड़ के भाग गया तो नियंत्रण में नहीं आएगा, जबरदस्ती बैठा होगे तो पक्का भागेगा ही, इसलिए जबरदस्ती से भागे इससे अच्छा आप उंगली पकड़ करके भगा लाओ, दौड़ा लाओ और फिर बैठा दो, थका के फिर बैठाओ, थक के फिर बैठेगा तो ऊपर आम, शनै शनै ही ऊपर में। कैसे करना, धृतियुक्त बुद्धि से, बुद्ध्या धृति गृहीतया, धारणा के द्वारा, देशकाल चित्तस्य धारणा, देशकाल में चित्त को बंद करना, देश और काल में एक जगह पर चित्त को लगा लेना, यह धारणा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं धारणा की परिभाषा, धृति यानी धैर्य, धैर्य यानी धारणा, धारण की हुई बुद्धि से ग्रहण करके चित्त को एक जगह पर उपराम करना, शनै शनै ही धीरे धीरे उपराम करके, धृतियुक्त धैर्य युक्त धारणा से बनी हुई बुद्धि से। धारणा कैसे होगी, इंद्रियों के काम में लेकर के ही धारणा करनी पड़ेगी, चित्त को कर्म करने के लिए, मन को कर्म करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, मन स्वयं कर्म नहीं कर सकता। सोचना मन का कर्म है, लेकिन सोचेगा किस में, विचार किस रूप में आएंगे, शब्द के रूप में आएंगे यानी ध्वनि यानी श्रवण इंद्रिय का काम, या आकार के रूप में आएंगे यानी चक्षुवेंद्रिय का काम, या स्पर्श के रूप में विचार आएंगे त्वकेंद्रिय का काम, किसी ना किसी इंद्रिय विषय के रूप में ही तो मन विचार करेगा ना। इसलिए बुद्ध्या धृति गृहीतया यानी धारणा करनी पड़ेगी, तो वह धारणा इन्हीं विषयों में से किसी एक को पकड़ करके करनी पड़ेगी। सामान्यतः शब्द और रूप ये दोनों ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, शब्द यानी ध्वनि, इसलिए मंत्र का उपयोग करो, राम 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 राम, ओम 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 ओम, उस ध्वनि के ऊपर मन को एकाग्र करो, फिर वैखरी से मध्यमा में चले जाओ, ओम 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 बोलते बोलते मन में जोर से आवाज करना बंद कर दो और मन में ही ओम 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 चलने दो, मन उसके साथ एकाग्र, धृति ये धारणा है,
आकार से कर सकते हैं, ओंकार का चित्र सामने रख के उस पर कर सकते हैं, राम की मूर्ति के ऊपर कर सकते हैं, इतना बढ़िया श्रृंगार क्यों करते हैं? वृंदावन जाइए, किसी दिन जब वो बांके बिहारी जी का फूल बंगला बना होता है उस दिन वृंदावन जाइए, वहाँ जाकर के अपने आप धारणा हो जाती है, वो फूल बंगला इतना सुंदर बना होता है, चारों ओर से फूल ही फूल, पुष्प ही पुष्प, तो बांके बिहारी के सामने खड़े हो जाते हैं, आप टकटकनी लगा करके देखते रहते, आपको पता ही नहीं चलता, आपकी आँखें पलक ही नहीं झपकती, सारी सुध-बुध खो जाती है, चारों तरफ से लोग धक्के मार रहे होते हैं, लेकिन आपकी टकटकी लग जाती है। धारणा, रूप पे धारणा, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? वातावरण निर्मी के लिए, गंध के ऊपर धारणा, ये सारे धारणा के धृति गृहित, ऐसे धैर्य युक्ति बुद्धि से ग्रहण करके इंद्रियों को एक जगह पर पे स्थिर करके शनई शनई ही ऊपर में धीरे धीरे पकड़ करके, उंगली पकड़ करके गृहीतया पकड़ करके, उंगली पकड़ करके बालक को बैठाते हैं वैसे, उंगली पकड़ करके उसको घुमाओ, उसको एक चीज में घुमाओ और फिर उसको बैठा दो, ऐसे नहीं, हम दो प्रकार से काम करते हैं, स्वयं के लिए भी और बालकों के लिए भी। पालकत्व ये साधना है, इसलिए गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी साधना पालन करना है, क्योंकि उस उदाहरण से वास्तविकता में ये योग की साधना भी उसी उदाहरण से समझ में आती है। हम बच्चों के साथ जो करते हैं वही अपने मन के साथ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों के साथ? हम बच्चों के साथ वह काम करते हैं जो अपराधियों के साथ किया जाता है। समाज में अपराधियों को ठीक करने के लिए दो प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है, एक को कहते हैं दंड विधि और एक को कहते हैं प्रोत्साहन विधि। या तो उसको लालच दिया जाता है या दंड दिया जाता है। गलत काम करेगा तो दंड मिलेगा, सही करेगा तो कोई ना कोई प्रोत्साहन मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। हम बालक के साथ भी यही कहते हैं, अभी कर रहे होमवर्क तो बाद में कैडबरी दूंगी, बाद में छोटा भीम देखने दूंगी, नहीं तो फिर पिताजी को बताऊंगी। ऐसे पिताजी नहीं हुए, कोई राक्षस है। दंड का या तो भय दिखाएंगे या पुरस्कार का प्रलोभन, भय अथवा प्रलोभन से जैसे हम बालक का पालन करने की भूल करते हैं, बिगड़ते बच्चे इसीलिए। पांचवी छठी में बच्चा जाता है, पहले सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में जाकर के माँ कहती थी बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, अब चौथी पांचवी में ही कहने लगी है। बच्चे भी थोड़े ज़्यादा निष्णात हो गए और माताओं के पालन करने की क्षमता कम होगी, पता नहीं क्या हुआ, या तो बच्चे एडवांस हो गए या माताएं कम कुशल हो गई। तो अभी दो चार साल पहले ही बच्चे कहना मानना बंद कर देते हैं, माताएं शिकायत करती है हमारा कहना नहीं मानता बच्चा। मैं पूछता हूँ, बच्चे जब आपकी गोद में बैठा था तब मानता था कि नहीं मानता था? तब आप भगवान थे उसके लिए, अब मानना क्यों छोड़ दिया? दंड और प्रलोभन विधि से बच्चा तुरंत आपका कहना मानना बंद कर देगा, यही मन की बात है। हमारा मन हमारा कहना नहीं मानता, हम मन को लगाना चाहते हैं और मन कहीं और लगता है। क्यों? क्योंकि मन को भी हम दंड या प्रलोभन देकर के काम में लगाते हैं। ये दोनों विधाएं काम में नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे शनई शनई ही ऊपर हमें धीरे धीरे धृति के द्वारा धृति युक्त बुद्धि से उंगली पकड़ करके ग्रहण करके गृहित वा उसको मान लो कि ये चंचल इसलिए क्योंकि ऊर्जावान है। त्याग मत करो उसको, झिड़को मत उसको, बुरा मत कहो, मित्र बनाओ और मित्र बना करके धीरे धीरे उसको उपराम करो और उपराम करके क्या करो, आत्मसंस्थम मन कृत्वा अपने आप में स्थित कर दो, आत्मसंस्थ कर दो, फिर किसी विषय का विचार मत करो, न किंचित भी विचार चिंतये, फिर विचार मत करो, शनै शनै ही धीरे धीरे बाहर के विषयों से समेट करके उन्हीं विषयों में से किसी एक को पकड़ करके उस पर धारणा करते हुए धीरे 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 अंदर ले रहे, फिर अंदर ले जा करके जब आत्मसंस्थ हो गया फिर कुछ विचार मत करो। यह सारी प्रक्रिया करने में 5-7-10-15 मिनट भले ही लग जाए, एक बार उसमें बैठ गए उसके बाद समय समाप्त हो जाएगा। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, फिर कोई विचार मत करो। फिर अगले श्लोक में करते यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, यह चंचल अस्थिर मन जब जब यतो यतो
निश्चरति, हटता है धृति से, धारणा से हटता है। हम ओम 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 का जप कर रहे हैं और मन में कुछ और विचार आ गया, कुछ और विचार आ गया, ये तो जब 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 वो हटेगा, ततस्ततो तब तब नियम में तद आत्मन नेव वशम नयेत, तब तब उसको वहां से ला करके फिर अपने अंदर लाओ, फिर वो धारणा के ऊपर लेके आओ, जब जब हटेगा तब तब उसको वापस लेकर के आओ और ला करके अपने आत्मा अपने अंदर उसको स्थिर कर दो। यह योग की धारणा की ध्यान की राजयोग की अत्यंत व्यावहारिक विधि भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताई। धारणा करो, किसी एक विषय को पकड़ करके धारणा करो, उस धारणा के अंदर मन को लगा दो, अपने आप में स्थित हो जाए, फिर कोई विचार मत करो अन्य, एकदम से अन्य विचार मत करो और मन को शून्य करो, ऐसा प्रयत्न मत करो। शनै शनै ही उपराम करो, धीरे 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 समेट लो समेट लो समेट लो, फिर समेट गया फिर अंदर बैठ जाओ, फिर उसके बाद इधर उधर ना जाए, फिर उधर उधर ना जाए, उसके लिए क्या करो, जैसे एक बार गया वैसे वापस ले आओ, इधर गया वापस ले आओ। यतो यतो निश्चरति ततस्ततो नियम, जब जब बाहर जाए तब तब उसको वापस अपने मन पर लेकर के आओ। ऐसा करने से जिस एकत्व की अनुभूति होती है, आगे वाले चार पांच शब्दों चार पांच श्लोकों में 32वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रक्रिया का वर्णन किया है कि क्या क्या उससे होता है और कैसे एकत्व की अनुभूति होती है। इस एकत्व की अनुभूति के बारे में अपन लोग कल देखेंगे, आज अपन इस शनै शनै रू परमेद प्रक्रिया का अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। बचे हुए 10-15 मिनट में हम यतो यतो निश्चरते और शनै शनै रू परमेद ये 25वें और 26वें श्लोक का प्रत्यक्ष अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपन धारणा का अभ्यास करते हैं और सब मिलकर के साथ में करने वाले, इसलिए अपन शब्द का प्रयोग करते, शब्द के ऊपर धारणा करते, रूप की धारणा सबको एक साथ करना थोड़ा सा कठिन होता है, सामूहिकता में की जा सकती है, नहीं ऐसा नहीं, सामूहिक प्रतिमान लेकर के कर सकते हैं, लेकिन शब्द की ज़्यादा सहजता से होती है। इसलिए हम शनै शनै रू परमेद का अभ्यास करेंगे। पहले स्थिर बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और सिर स्थिर धारण करेंगे, आंखें बंद करेंगे, शांति से पलकों को इतना शांत भाव से रखना है पंखुड़ियों की तरह, कहीं पर भवों में तनाव नहीं, पलकों में तनाव नहीं, इस प्रकार से। इसे चिन्ह मुद्रा कहते हैं, ध्यान मुद्रा कहते हैं। पहली उंगली तर्जनी और अंगूठा बिल्कुल हल्के से पास में रखे हुए, स्पर्श ना भी हो तो चलेगा, जहाँ स्पर्श का अनुभव हो रहा हो लेकिन स्पर्श नहीं हो रहा हो, ऐसी जो स्थिति होती है बीच में गैप है लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पर्श हो रहा है, वह सर्वाधिक उत्तम है, उस स्थिति में रख देंगे। फिर उसके बाद हम ओंकार का जप करेंगे, ओम 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 ओम, इस प्रकार से। और फिर जप करते करते जोर से जप करेंगे, जब हम मन उसमें लग जाए जोर से जप में, तब धीरे 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 अपने आवाज़ को कम करते हुए, वॉल्यूम को कम करते हुए, ध्वनि को कम करते हुए मन में गाएंगे और मन में ओम 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 मन में चलने देंगे, तो अपने आप मन में ओम चलता रहेगा और उसमें अपना मन एकाग्र होने लगेगा। ऐसा होते समय जब मन में कोई और विचार आए तो 3 बार जोर से कर लेंगे, 3 बार मतलब 3 श्वास, एक गहरी श्वास में 15-16 बार ओम होगा अपना, ओम 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 ओम, फिर श्वास लेनी पड़ेगी ओम 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 ओम। जहाँ मन उस ओम से भटक गया वहाँ एक बार जोर से बोल लेंगे, फिर मन में बोलेंगे, 3 बार में होता है वो, एक बार जोर से बोलेंगे, फिर धीरे बोलेंगे, फिर मन में बोलेंगे, फिर कोई विचार आ गया, किसी और ने जोर से बोल दिया तो अपने को बोलने की ज़रूरत नहीं, अपना मन जब ओम से हटेगा तब अपने को जोर से बोलना है, तो वो यतो निश्चरते ततस्ततो नियम में तद उसका अभ्यास हो जाएगा। जब मन भटक गया तो जोर से उच्चारण करेंगे तो फिर से ओम पे आ जाएगा। यह विधि अपन अपनाएंगे, 10-15 मिनट इसका अभ्यास करने का प्रयत्न। शुरू करेंगे, ओम 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 ओम
से कीजिए। कम कीजिए, धीरे धीरे, अचानक नहीं। से मन ही मन बाहर आवाज नहीं आएगी, लेकिन मन में ओम चलता रहेगा। पूरी तरह से मन ओम के जप पर एकाग्र है, मन में चल रहा है जहाँ लगे इधर उधर चला गया वहाँ एक बार जोर से कीजिए, फिर मन में कीजिए।
जहाँ मन इधर उधर भटके वापस ओम का जोर से जप कर ले। मन ही मन ओम का जब चलने दीजिए जब तक चलता है। मन ओंकार का जब वैसे ही चल रहा है। नमस्कार मुद्रा सर्वे भूत सुखिना मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मन में ओम ओम चलता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चि दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।